फोटो तो ले सकते हैं। हाँ, सभी जगह अलाउड है सब तो। अच्छा, मास्क पहनना ही पड़ेगा? नहीं नहीं, आप उतार दीजिए। अच्छा, खाली एंट्री के लिए? एंट्री के लिए, क्योंकि वहाँ कैमरा लगा हुआ है ना। अच्छा, अभी तो क्या सब खत्म हो गया? हाँ, वैक्सीन वैक्सीन आ गया। जी सर, वैक्सीन आ गया है। लग भी रहा है कि लग भी रहा है। और बनारस में अब कोरोना है कि नहीं है? तो साहब जी, जिस प्लेस पे आप लोग आए हैं, प्लेस नेम है सारनाथ। सार मीन्स उपदेश, नाथ मीन्स गॉड भगवान। इधर भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया, फर्स्ट स्पीच किया था। और बुद्धा के मेन फोर्थ प्लेस, फर्स्ट लुम्बिनी नेपाल, बर्थ प्लेस सेकंड बोध गया बिहार, यहाँ बुद्धा को इनलाइटमेंट हुआ। थर्ड प्लेस ये सारनाथ, यहाँ बुद्धा ने फर्स्ट सरमन दिया। और फोर्थ प्लेस कुशीनगर, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता। अच्छा, मतलब चार जगह पे दिया। हाँ, जहाँ बुद्धा का महापरिनिर्वाण हुआ। इधर आ जाएंगे। 80 ईयर्स की अवस्था में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। उनमें से थर्ड प्लेस ये सारनाथ है। और ये सामने जो वृक्ष देख रहे हैं सर, इसको बोलते हैं बोधि वृक्ष। अच्छा, बोधि ट्री। ओरिजिनल अच्छा। बोधि ट्री सर बोध गया बिहार में। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वो ध्यान यहीं पे उपदेश दिए थे ना। जी सर, यहाँ पे वो ध्यान मुद्रा में बैठाए हैं जो भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में पीपल ट्री के नीचे हुआ था, वैसे वहाँ का मॉडल बनाया है। और ये बीच वाली स्टेचू अभय मुद्रा, उपदेश देते हुए दिखाया गया। और ये दोनों धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा, धर्म चक्र परिवर्तन यही से हुआ था। ये सारनाथ के हिसाब जी, सारनाथ द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म यहाँ से स्टार्ट हुआ, जो अदर अदर कंट्री में जाकर प्रचार प्रसार हुआ, जैसे चीन, जापान, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, सिल्वर, अदर अदर कंट्री के लोग आते थे। फोटो अलाउड है सर, फोटो ले सकते हैं। अभी हम लोग मेन मंदिर चलेंगे देखने के लिए सर, फोटो लेना। जाते हैं 20 रुपए का टिकट लेकर, उसका राउंड करते हैं, मेडिटेशन करता, ध्यान लगाता। आपको जाना, आप भी जाकर राउंड कर सकते हैं, सभी लोग जाकर राउंड कर सकता है। तो लास्ट में जाना होता है सर, वो टिकट वाला म्यूजियम के अंदर 5 रुपए का टिकट और 20 रुपए म्यूजियम के अंदर। अपना नेशनल एम्बलम है सर, 4 लाइन कैपिटल अशोक स्तंभ, अशोक चक्र ओरिजिनल। अच्छा, वो म्यूजियम के अंदर रखा? हाँ, वो म्यूजियम के अंदर। ऐसा बाहर नहीं है? मैं सोचा बाहर। नहीं सर, वो बाहर नहीं है, अंदर में। अच्छा, अभी वो टूट गया था ना सर, 50 फीट के पिलर पे था वो। जब पिलर वो टूट गया तो हेड पीस को उठा म्यूजियम के अंदर रख दिया गया है, जो खाली हेड रखा है। जी सर, वो चार पिलर जो है, पिलर हाँ। जो नीचे वाला भाग है पिलर, हाँ। वो आज भी वो स्तूप के बाजू में है सर। अच्छा, वो एक मंदिर, बौद्ध जी का मंदिर बड़ा सा बना हुआ है ना जी, वो कोरोना काल से बंद चल रहा है ना? बंद चल रहा है। हाँ, 4-5 मंदिर यहाँ पे हैं, सभी कोरोना काल से बंद। नहीं नहीं, जो खुला हुआ है वो यही सब खुला हुआ है सर। वो तो वो बहुत बड़ा, वो आगे में है, वो बंद चल रहा है, श्रीलंका मंदिर। हाँ, कोरोना काल से बंद चल रहा है सर। आइए सर, आगे मंदिर चलते हैं। सामने सर थाई बौद्धिस्ट टेम्पल, वो थाईलैंड देश द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था 1964 में। तो थाई लोग यहाँ पे आए थे या फिर? हाँ, आते हैं ना सर। अच्छा, यहाँ गेस्ट हाउस है, वहाँ रहते भी है। और ये 1964 में ये मंदिर बना हुआ है। मंदिर के अंदर जो स्टेचू है बुद्धा की, वो अभय मुद्रा में है। अच्छा, 9.5 फुट की एक स्टेचू, एक पत्थर का, सिंगल स्टोन का है, सैंड स्टोन, उस पर गोल्डन पॉलिश किया गया है। तो अच्छा, सैंडस्टोन है। हाँ, अगर वहां तक जाना चाहे तो यहाँ सूज उतार के जाना होता है, नहीं तो यहाँ तक फोटो देंगे। बुद्धा चाइना में इनका जन्म हुआ था, चाइना के लोग ज्यादा लाइक करते हैं सर। बुद्धा के जातक कथाओं में इनका नाम है लॉफिंग बुद्धा। यहाँ से लीजिए सर, ये मूर्ति भी आती है और वो स्पष्ट मुद्रा, भूमि को स्पष्ट करते हुए लॉर्ड बुद्धा दिखाए गए हैं। ब्लैक स्टोन है सर, पूरा मार्बल स्टोन का बना हुआ है। सामने पर भूमि स्पष्ट मुद्रा सर, बुद्धा का चौथा मुद्रा। तो कितनी मुद्रा है? 5 मुद्रा है। 5 मुद्रा? हाँ, एक मुद्रा अभी इधर में आशीर्वाद मुद्रा सर। अच्छा, था जो अलग अलग कंट्री में जाकर उन्होंने प्रचार। अच्छा, फिर उन लोग अलग अलग कंट्री में जाकर प्रचार किया था। जिनके कौन कौन सी कंट्री में गए थे? सभी देश में गया था, चीन, जापान, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, तिब्बत, सभी जगह गया था सर। बुद्धा के पांचों जो उनके शिष्य हैं, वप्पा, महनामा, कौंडज्य, भद्दी, अस्सजी, ये 5 शिष्य थे, इनको बुद्धा ने पहला उपदेश दिया था। फोटो ले लीजिए।
थाईलैंड में इससे भी बड़ा। जी सर आइए साहब। और ये बुद्धा का सर ये पांचवा मुद्रा सर, आशीर्वाद मुद्रा। अच्छा हाँ, दे भी रहे हैं सर। जी सर, ये 80 feet 9 inch की स्टेचू है जो बामियान अफगानिस्तान में तालिबानियों द्वारा 150 feet की मूर्ति तोड़ दी गई थी सन 2002 में सर, उसी का रिप्लिका लेकर इधर में बना है। तो ये यहाँ यहाँ पे भी है ना, कहाँ पे और एक देश में ऐसे ही मूर्ति है एक सेम। अच्छा सर, आपने बहुत से स्टेचू देखे होंगे बुद्धा के, कोई कपड़े नहीं, स्टेचू को प्लेन बनाया है। अच्छा। इस पे स्टोन को ही कटिंग करके कपड़े का आकार दिया गया है। तो आइए सर वहाँ पास से देख लेते हैं, इसको देख कर आएंगे फिर बोटिंग सोसाइटी करेंगे सर। क्या है, पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। पास अंदर पहनना पड़ेगा। त्रिमूर्ति है, भक्ति तो बनाया गया था 12th century AD में, मतलब बनाया गया था जो कि पूरा फिनिश नहीं हो पाया था। इसमें क्या है कि शंकर भगवान है ये, जो कि अंधकार सुनामा उसको ये ब्लेसिंग मिली हुई थी कि जब भी कोई उसको मारने जाएगा तो उसके ब्लड जब ड्रॉप करेगा जमीन पे तो अगेन रीबर्थ हो जाएगा अंधकार पे। तो उसको मारने के लिए पहले कंफ्यूज करना था उसको, तो इन्होंने एग्रेसिव जब ये हुए तो उनके पूरे गुस्से में 10 हाथ आ गए और 10 हाथों में वेपन है। जिसको देख के उसको तो ये हो गया कि आप 10 वेपन से मारेंगे तो उतना ज़्यादा ब्लड गिरेगा उतना ही ज़्यादा। जो राइट हैंड उससे ट्राइडेंट पकड़ा हुआ है और जो गलत हाथ में से पकड़ा है उसके ऊपर ट्राइडेंट पकड़ा है, और जो लेफ्ट हैंड उसमें बाउल है, तो सारा ब्लड उसमें आता है। अनफॉर्चुनेटली बाहर गिर जाती है जिसको उस कर रहा है। तो इस तरह से इसका अंतर सुनता
देखेंगे।